हमेशा कहती हूँ कि दिन जब आप शुरू करते हैं तो कम से कम 5 मिनट से ही शुरुआत करिए, 5 मिनट अपने आप को दीजिए जी, अपने थॉट्स को दीजिए कि आज दिन भर क्या होगा जी, क्या करना है, या नहीं भी करना है तो चुपचाप ही बैठ जाओ, पर वो 5 मिनट अपने आप को दो। आप इतने भाग दौड़ में हो कि आपके पास अपने लिए समय नहीं है 5 मिनट। तो ये 2-3 चीज अगर आप शुरू कर देते हैं, और फिर थर्ड इज थोड़ा हाई लेवल जाता है, दैट इज कि अपने हर काम में ये सोचो कि मेरा तो भला हो ही रहा है, ठीक है, क्या किसी और का भी हो रहा है। और अगर आंसर आपको यस मिलता है, एंड डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ शुरू हो चुके हैं जी। बाकियों के घर की बेटियों के साथ हो रहा होता है ना, वो बड़ा ही नेचुरल लगता है हमें, कह रहे इट्स ओके, अरे होता तो आया है, अरे इतनी बड़ी बात नहीं है। और अपनी बेटी की खरोच भी ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया में सब खत्म हो चुका है, ये कैसे हो गया, मैंने तो आंख नहीं दिखाई। और तब आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि हर बच्ची ही किसी की बच्ची है। 15-20 दोस्त है मत बनाओ, 2 ही बनाओ, अच्छे बनाओ, जो आपको सिर्फ मजे मस्ती में याद ना आए, लेकिन जब आप बहुत खुश हैं अंदर से, अच्छी खुशी, मतलब जब शांति वाली खुशी होती है, वे हैप्पी सुकून, आपको उनसे बात करने का मन करे। और जब आप बहुत दुखी हो तब भी आपको उनसे बात करने का मन करे। तो भले ही वो 2 ही हो आपकी लाइफ में, पर ऐसे 2 दोस्त आपके लाइफ में होने चाहिए। मैंने अपनी कथा में भी ये बात कही है कि शादी ना सुनने में बहुत बाहर से अच्छा लगता है, बट अगर बहुत सिंपल वे में कहिए तो आपको आगे के 50-60 साल गॉड्स ग्रेस सब सही रहे, एक इंसान के साथ एक कमरे में बिताना है। अब सोचो आप कैसा इंसान होना चाहिए। अभी आप बहुत नॉर्मल चीजें सोच रहे हो, घर परिवार ये है वो है ऐसा करेंगे। अब एक थॉट दो, उस बंदे के साथ आपको एक कमरे में रहना है और आगे के कितने साल रहने हैं, तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी आप एक टिक मार्क सोच के मत करिए कि इस एज निकल गई अब टिक मार्क शादी कर लेते, ये एज निकल गई डिग्री ले लेते, ये एज निकल गई बच्चा कर लेते, उसी वजह से ज्यादा इश्यूज होते हैं आपको, और मेंटली भी इश्यूज होते हैं आपको। मैं शादी के लिए एक बात कहती हूँ कि बाहर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में आगे भी लड़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मत करो, आप फिर अकेले रहो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंसान बाहर की लड़ाई, माता पिता कहता है कुछ किसी लड़की को जाकर छेड़ो या वो जाकर घर पे नहीं, भी नहीं बता। समझा मैंने, आप मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आप पूरे सेशन में थे, कोई डायरेक्टली नहीं कहता, लेकिन जब बचपन में बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो आप ये बोल रहे हो वो तो लड़का है, बच्चा तो सुन रहा है ना। अब एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं, कि आज छोटे बच्चों को बहुत, क्योंकि प्यारे लगते करते हुए देखिए बच्चे ये सब, तो बच्चे कहते हैं अंकल को हप करके दिखाओ, अंकल को हप करके दिखाओ, बच्चा थप्पड़ लगा देता है, ये क्या है बताइए। अब बड़े होके मारेगा तब आप कहेंगे बच्चा गलत है, शुरुआत किसने की इस चीज की, उस वक्त प्यारा लग रहा है, छोटे छोटे हाथ है, मारता है, गालियां दे रहा है, सुनने में तोतली भाषा में किसको गालियां अच्छी नहीं लग रही, बड़ी प्यारी लगती है जब बच्चा देता है, बड़े होके देता है तब। इस तरीके की परवरिश की बात, कोई डायरेक्टली तो देखिए कोई माँ बाप नहीं चाहता बच्चा गलत करे, पर इनडायरेक्टली जो बातें आप कर रहे हैं घर पे, आप उसके सामने जो हरकतें कर रहे हैं, ये भी परवरिश है, कि आप बच्चे को कह रहे हो सच बोलो फिर फोन पे खुद झूठ बोल रहे हो, बच्चा तो बोल रहा है झूठ बोलना सही है, आप क्या हरकतें कर रहे हो वो परवरिश है, घर का माहौल कैसा है वो परवरिश है, ये सब कुछ इंक्लूड होता है।